हाय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग 2008 और 9 का आपका जो बोर्ड एग्जाम में रिओर्डरिंग सेंटेंस आए हुए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको 10वीं और 12वीं की कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सब्जेक्ट है मेरा माई सन। हमारा सब्जेक्ट क्या है? माई सन। माई सन, फिर आएगा वर्ब कीप्स कीप्स हिज क्लॉथ्स क्लीन। क्लॉथ्स क्लीन हो गया हमारा पहला। दूसरा देखिए, मेरा पुत्र अपने कपड़े साफ रखता है। माई राणा प्रताप, राणा प्रताप अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। तो राणा प्रताप सब्जेक्ट है, राणा प्रताप लव्ड हिज कंट्री वेरी मच। कंट्री वेरी मच। रिओर्डरिंग सेंटेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें उसे हिंदी बनाना आना चाहिए उसकी। अगर हम हिंदी बना पाते हैं तो हमें सेंटेंस करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तीसरा देखिए, सी सब्जेक्ट है, फिर ये एंजॉयज स्विमिंग इन द रिवर। सी एंजॉय, सी एंजॉय स्विमिंग, सी एंजॉय स्विमिंग, सी एंजॉय स्विमिंग इन द रिवर। चौथा देखिए, द ब्रिटिश ब्रिटिश डिक्लियर्ड, द ब्रिटिश डिक्लियर्ड ब्रिटिश डिक्लेयर्ड डिक्लेयर्ड अवर कंट्री इंडिपेंडेंट। द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड अवर कंट्री इंडिपेंडेंट। द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड अवर कंट्री इंडिपेंडेंट। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, पांचवा। ये हम 2010 वाला सेट, 2008 वाला सेट कर रहे हैं इसको हम सोल्व। इसका पांचवा है रेगुलर एक्सरसाइजेस, नियमित व्यायाम। रेगुलर एक्सरसाइजेस कीप अस फिट। छठवां है हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट।
साथ में देखिए। सॉरी, देखिए साथ में देखिए, थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। दे सब्जेक्ट है हमारा, दे। डू देयर होमवर्क रेगुलरली, दे डू देयर होमवर्क रेगुलरली। आठवां देखिए, माई फादर माई फादर बॉट ए न्यू कार यस्टरडे। माई फादर बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। नौमा देखो, नौ नहीं है, अब 2009 के को सॉल्व करेंगे हम। देखिए अब 2009 का पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला आंसर है इसका, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, द स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, विद्यार्थियों का अपने बड़ों की आज्ञा का पालन कर, सॉरी बड़ों का सम्मान करना चाहिए। द स्टूडेंट्स शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स। दूसरा है रोजा, रोजा इज लीविंग, रोजा इज लीविंग, रोजा इज लीविंग फॉर आगरा टुमारो। रोजा कल आगरा के लिए निकल रही है। आई थिंक आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों अच्छे से। तीसरा देखिए, सी सी फेल्ट, सी फेल्ट सॉरी फॉर हिज, सी फेल्ट सॉरी फॉर हर एरोगेंस, हर एरोगेंस। चौथा देखिए, द मंकीज क्वारल अमंग देमसेल्फ, द मंकीज क्वारल, देखिए द मंकीज क्वारल, मंकीज क्वारल अमंग देमसेल्फ, देमसेल्फ। पांचवा है देखिए,
देखिए आंध्र क्या है, सॉरी देखिए आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर, आई एम सॉरी, देखो आई एम, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी है ना, आई एम सॉरी, आई आई कैप्ट, आई कैप्ट यू वेटिंग, आई एम सॉरी, आई कैप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग, आई एम सॉरी, आई कैप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग, आई एम सॉरी, आई कैप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग। वेरी गुड, बिल्कुल सही है हमारा। छठवां देखते हैं दोस्तों। ही टू मी वेरी ऑन काइंडली इंपॉर्टेंट अफेयर सम स्पोक। हो जाएगा ही स्पोक 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 स्पोक्स वेरी काइंडली, ही स्पोक्स वेरी काइंडली ऑन सम इम्पोर्टेंट अफेयर्स ही स्पोक वेरी काइंडली ऑन सम इम्पोर्टेंट अफेयर्स He spoke very kindly on some important affairs to me. सेवन देखिए। What are you doing? What are you what are you cutting? What are you cutting? What are you cutting with
द पेपर्स पेज द पेपर खुश है मां। या तो ये होना चाहिए वाई आर यू कटिंग, चलिए ऐसा भी हो सकता है बोर्ड एग्जाम में दे रखा हो। आठवां देखिए, सेवन तक हो गया, देखिए ठीक है दोस्तों। चलिए सेवन तो हो गया, अब हम लोग आठवां करते हैं। आठवां देखिए, वी वी मस्ट मिक्स देखिए इसमें थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, दे और होना चाहिए था इसमें, ये क्या होगा इसका, देख बनाते हैं। वी मस्ट मिक्स बी मस्ट मिक्स विद सच जेंटल वी मस्ट मिक्स विद सच जेंटल पर्संस एज योगा बी मस्ट मिक्स विद सच जेंटल पर्सन एज दे आर। इसमें आर और दे और होना चाहिए। नौमा देखिए, द टॉल बॉय इन द कॉर्नर इज अ गुड एथलीट, द टॉल बॉय इन द कॉर्नर, अ टॉल बॉय इन द कॉर्नर इज
अ गुड एथलीट। अ टॉल बॉय इन द कॉर्नर इज अ गुड एथलीट। हम आ गए, अब दसवां करेंगे। देखिए, आई वॉज इन कानपुर लास्ट वीक। ये भी बहुत आने वाला क्वेश्चन है। आई वॉज इन कानपुर लास्ट वीक। आई वॉज इन कानपुर लास्ट वीक। मैं पिछले सप्ताह कानपुर में था। ग्यारह में देखिए, आई ट्रीट, ट्रीट होता है व्यवहार करना या पार्टी देना छोटी मोटी। आई ट्रीट माई टीचर्स विद रेस्पेक्ट। आई ट्रीट माई टीचर्स विद रेस्पेक्ट। बारह माह है। He has a well furnished house. He has a well furnished house. दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।